हेलो दोस्तों, आज बनाते हैं एक नई रेसिपी। लेते हैं 250 ग्राम सिंघाड़ा। सिंघाड़ा कच्चे लेंगे, उबाले हुए नहीं। उसके बाद इसको छील लेंगे, अच्छे से छीलेंगे, हाथ ना कट पाए। कांटे इसमें हैं, बचा के छीलना, नहीं तो हाथ में गड़ जाते हैं कांटे। इसी तरह साढ़े सिंघाड़ा छील चुके हैं मैंने, देख सकते हैं इसमें एक भी छिलका नहीं है। अच्छी तरह से सफ़ा हो चुके हैं, एकदम वाइट वाइट दिख रहे हैं। उसके बाद लेते हैं मैं कसने के लिए, सिंघाड़ों को अच्छी तरह से कस लेते हैं। देख सकते हैं अच्छी तरह से कस चुका है, एकदम पतला पतला बारीक। उसके बाद चढ़ाते हैं एक फ्राई पैन, उसमें डालते हैं थोड़ा सा देसी घी। उसके बाद इसको सिंघाड़े को कटे हुए को अच्छी तरह से रोस्ट कर लेंगे। रोस्ट करने के बाद में इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा कर देंगे। उसके बाद में इसमें डाल देंगे दूध। दूध डालने के बाद इसको अच्छे से चलाएंगे और हाई फ्लेम पे इसको खौला लेंगे। उसके बाद इसमें चीनी डाल देंगे। चीनी डालने के बाद इसको चलाएंगे। उसके बाद इसमें छोड़ेंगे गरी छुहारा किशमिश मुनक्का। बन के तैयार हो चुका है। फिर इसको एक प्लेट में सर्व कर लेंगे। ये बोलते हैं सिंघाड़ा का खीर। प्लेट में सर्व करने के बाद ऊपर से काजू किशमिश की गार्निशिंग कर देंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।